क्या आप जानते हैं कि कैनेडियन वीज़ा के साथ आप सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका की एक खूबसूरत सी कंट्री मेक्सिको को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं? यस, सो वी ऑल्सो डिड द सेम एंड हेयर वी आर टुडे टू शेयर आर एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो आज हम आपको बताएंगे हमारे पूरे एक्सपीरियंस के बारे में कि हम कहाँ कहाँ रुके, हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी, हमने कैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, हम कैसे करेंसी लेकर गए और हमारे अपने एंटायर बजट के बारे में जो भी हमारे मेक्सिको के टूर में लगा। सो इफ़ यू गाइज डोंट नो देन वी आर हेयर इन कैनेडा ऑन वर्क परमिट एंड वेन वी वर एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज टू विजिट तो हमें पता चला कि विद कैनेडियन वीजा वी कैन विजिट मेक्सिको दैट टू वीजा फ्री। सो ये आप और भी अदर वीजाज के साथ कर सकते हैं, सो जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगी। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डू कीप वॉचिंग आर वीडियो टिल द एंड। सो टॉकिंग अबाउट आर ट्रिप प्लान, तो ऐसे तो मेक्सिको बहुत बड़ा है लेकिन आप टूरिस्ट प्लेसेस सर्च करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है वहाँ के कुछ जगहों का, जैसे कि कैनकुन, प्लाया डे कार्मन, कोजमल, टुलुम एक्सेट्रा। सो हमने भी अपने ट्रिप प्लानिंग में इन जगहों को इंक्लूड किया और मेजरली हम रहे थे प्लाया डे कार्मन और कैनकुन में, और हमने 1 डे के ट्रिप किए थे टू अ ब्यूटिफुल आइलैंड विच इज़ कोजमल एंड टू ऑल्सो अ प्लेस कॉल्ड टुलुम। और ड्यूरेशन की बात करूँ तो हमारा ये जो पूरा ट्रिप था दैट वाज ऑफ 7 नाइट एंड 8 डेज। यस, इट वाज अ लॉन्ग ट्रिप बट वी एन्जॉयड देयर अलॉट। एंड ऑल्सो अबाउट आर प्लानिंग, सो पहले के 5 दिन हमने करी थी वहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो लास्ट के 2 डेज थे दैट वी लेफ्ट फॉर लेजर। सो दैट वॉज हाउ आर एंटायर प्लान वॉज। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, सो एज आई जस्ट मैंशन कि अगर आपके पास कैनेडियन वैलिड वीज़ा है जो कि स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है या फिर वर्कर वीज़ा हो सकता है या फिर PR कार्ड हो सकता है, तो अगर आपके पास वो है तो आप मेक्सिको में एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा एंड द सेम अप्लाइज फॉर US एज वेल। एंड ऑल्सो देर आर सर्टन अदर लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ की वीज़ा होने पे मेक्सिको आपको अलाउ करता है उनकी कंट्री विजिट करने के लिए फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ डेज। सो सारी डिटेल्स आप एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कंट्री एंड इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा ऑफ एनी ऑफ दीज कंट्रीज सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल कंट्री। सो टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो कि हमको लगे मेक्सिको विजिट करने के लिए, वॉज फर्स्ट ऑफ कोर्स द पासपोर्ट एंड द सेकेंड वन वॉज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज आर लीगल स्टेटस इन कैनेडा विच वॉज द वर्क परमिट सिंस वी आर हेयर ऑन वर्क परमिट इन कैनेडा। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ फूड। तो सिंस वी आर वेजिटेरियंस सो सबसे पहले हमने यही जानने की कोशिश करी कि वहाँ पे किस टाइप का खाना मिलता है और वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर अस और नॉट। सो इन द एंड वी प्रेफर टू बुक अ रूम विद अ किचनेट। सो मोस्टली हमने अपने ट्रिप के जो फर्स्ट 5 डेज थे उसमें एयरबीएनबी बुक किया था जहाँ पे हमें एक प्रॉपर किचन मिला था दैट हैज़ अ फ्रिज, अ माइक्रोवेव, अ गैस स्टोव एंड ऑल्सो सम यूटेंसिल्स। सो हम कैनाडा से ही रेडी टू ईट के कुछ पैकेट्स लेके गए थे और कुछ हमने ग्रॉसरी मेक्सिको से ही कर ली थी। सो इन कॉम्बिनेशन टू बोथ ऑफ दीज वी वर एबल टू कुक सम ऑफ आर मील्स एंड हैव आर फूड। सो टॉकिंग अबाउट द इंडियन रेस्टोरेंट्स, सो येस देर आर सम इंडियन रेस्टोरेंट्स इन द प्लेसेज अराउंड एंड वी ऑल्सो ट्राइड टू ऑफ द इंडियन रेस्टोरेंट्स, वन वॉज इन कोजुमल एंड वन वॉज इन कैनकुन। सो जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हमने वहाँ पे जाने से पहले एक्सप्लोर किए थे उनकी लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो इफ़ यू हैपन टू बी देयर सो यू कैन एक्सप्लोर देम। सो द फूड वॉज फाइन इन कोजमल बट वेरी गुड इन कैनकुन, सो यू कैन ट्राई। एंड ऑल्सो टू नोट जो हमारा लास्ट डे था दैट वॉज एन ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट, सो उसमें खाना पीना सब इंक्लूडेड था लेकिन सिंस एज वी सेड वी आर वेजिटेरियंस सो हमारे लिए बहुत कुछ ऑप्शंस नहीं थे वहाँ पे, सो वी हैड टू ईट ओनली ब्रेड एंड फ्रेश फ्रूट्स, सो दैट वॉज ओनली अवेलेबल फॉर अस। नाउ टॉकिंग अबाउट हम रहे कहाँ पे थे, सो वी स्टेड इन 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़
अकॉर्डिंग टू आर प्लान। सो क्योंकि हम में ये था कि हम फर्स्ट कुछ दिन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जिसमें हम मोस्टली सारा दिन घर से बाहर ही रहेंगे। सो वी प्रेफर टू बुक एन एयरबीएनबी एंड दैट टू किचनेट बिकॉज ऑफ द फूड रिस्ट्रिक्शंस दैट वी हैड। सो हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था जिसका नाम था होटेलेटो डेलमार एंड इट वॉज इन प्लाया डे कार्मन। सो हम अपने फर्स्ट 5 डेज वहीं पे रहे थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो भी थी और जो भी नियर बाय अट्रैक्शंस थी दैट वॉज नियर टू दैट प्लेस। कैनकन से ये थोड़ी सी दूर हो जाती तो हमने प्रेफर किया प्लाया में रहने का एंड टू एक्सप्लोर ऑल द नियर बाय अट्रैक्शंस इन द स्टार्टिंग ऑफ आर ट्रिप। सो द नेक्स्ट होटल और द प्रॉपर्टी वेयर वी वेंट वॉज क्रिस्टल कैनकुन। इट वॉज इन कैनकुन इन द होटल जोन। सो अगर आप कैनकुन देखेंगे सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे कि एक मेन एरिया उसका डाउनटाउन है और एक एरिया है होटल जोन। सो मोस्ट ऑफ द होटल्स जितने भी ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स हैं या फिर कुछ कुछ होटल्स हैं वो सब उस होटल जोन में है। सो दैट होटल जोन इज इन द शेप ऑफ अ 7 और एक साइड उसके लगून आता है और दूसरी साइड उसका पूरा सी आता है। सो दिस होटल क्रिस्टल वॉज इन द स्टार्टिंग दैट 7 एंड दैट हैज़ अ ब्यूटिफुल व्यू। सो वी आर मेकिंग अनदर वीडियो ऑफ ऑल द होटल्स दैट वी हैव स्टेड इन एंड हाउ देयर रूम्स लुक लाइक। सो डू चेक दैट वीडियो जब भी वो आएगी एंड टू गेट नोटिफाइड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल ताकि जब वो आए तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक द थर्ड होटल एंड द लास्ट वन एंड ऑल्सो द ऑल इंक्लूसिव वॉज पार्क रॉयल बीच। सो दैट वॉज ऑल्सो अनदर होटल इन द होटल जोन एंड दैट इज इन द मिडल ऑफ दैट 7 विच आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट। सो इस तरीके से हमने सारे होटल्स में हम लोग रहे। फर्स्ट वॉज एन एयरबीएनबी विद अ किचनेट एंड द सेकेंड वन वॉज अ रूम विद अ व्यू एंड द थर्ड वन वॉज एन ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट। सो वी हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ होटल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पर करी थी। एक तो हमने टूर किया था टू अ प्लेस कॉल्ड टुलुम। सो इट वॉज़ अ 1 डे टूर। हमारा सुबह को पिकअप हुआ था एंड हम शाम को वापस आए थे। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट एंड दैट इंक्लूडेड अ लंच बूफे। सो वी विजिटेड दैट सिटी एंड अ प्लेस अराउंड और वहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर है हिस्ट्री है वहाँ की वो देखा। सो सिनोटेज विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस देयर सो वो हमने देखा। सो इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ करी बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ वी विजिटेड वन ऑफ द प्लेस कॉल्ड टुलुम फॉर अ डे ट्रिप। तो एक दिन हमने वो किया था। सेकेंड डे हमने एक ब्यूटीफुल सा आइलैंड है वहाँ पे कोजिमल तो हम वहाँ पे गए थे। हम जहाँ पे रह रहे थे प्लाया डे कार्मन वहाँ से फेरी चलती है वहाँ पे जाने के लिए सिंस इट्स एन आइलैंड। तो हम वहाँ पर गए एंड वहाँ पे जाने के बाद हमने स्कूबा डाइविंग करी एंड वी ऑल्सो एक्सप्लोर द आइलैंड ऑन आर ओन बाय रेंटिंग अ बाइक। एंड द थर्ड डे वी विजिटेड अ वेरी फेमस एंड अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क नोन एज एशक्रेट। सो दैट ऑल्सो वॉज अ फुल डे एक्टिविटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड अ वेरी स्पेक्टेकुलर नाइट शो इन द एंड। सो हमने एक दिन वो किया था। सो दीज वर द 3-4 एक्टिविटीज़ जो कि हमने करी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करेंसी, सो मेक्सिको हैव देयर ओन करेंसी कॉल्ड एज मेक्सिकन पीसोज। सो हम कैनाडा से ही 350 कैड के इक्वलेंट पीसोज लेके गए थे बट दोज वर नॉट सफिशेंट सिंस वी डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। उसके बारे में हम अपने बजट वाले वीडियो में बताएंगे कि वॉट ऑल इट कॉस्टेड फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ऑल द होटेल्स दैट वी बुक। करेंसी जितनी हम लेके गए थे वो सफिशेंट नहीं थी सो वी हैव टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द ए टी एम्स देयर। USD भी वहाँ पर एक्सेप्ट होता है, हर जगह USD एक्सेप्ट होता है लेकिन कन्वर्जन रेट इतना अच्छा नहीं देते हैं। एंड ऑल्सो इट्स बेटर क्योंकि अगर आप USD भी देते हैं तो जो आपको रिटर्न में वो देते हैं वो पीसोज ही देते हैं। सो हमें तो पीसो ले जाना बेटर लगा था तो हम पीसो लेके गए थे और वहाँ से भी जो हमने निकलवाए थे दैट वॉज पीसोज ओनली। सो वीजाज एंड मास्टर कार्ड आर एक्सेप्टेड एट POS मशीन्स सो आप उनके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास एक इंडियन कार्ड था दैट कॉस्टेड अस 0 ट्रांजेक्शन फीस तो हमने तो वो यूज़ किया था फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल्सो टू टेक आउट द मनी। और एक और चीज़, हमने स्कॉशिया बैंक के ATM से वहाँ पे पैसे निकलवाए थे और उस एंड विद ईच ट्रांजेक्शन दे चार्ज अस 100 एक्स्ट्रा पीसोज। एंड ऑल्सो जब आप पैसे निकलवाएंगे तो दे आस्क यू टू पे द कन्वर्जन फीस तो आप वो मना कर सकते हैं, यू कैन डिक्लाइन दैट एंड आफ्टर दैट यू वुडन्ट बी चार्ज द कन्वर्जन फीस एंड जस्ट द रेगुलर कन्वर्जन रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्स, तो आप किसी भी नई सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐप्स की आपको ज़रूरत पड़ती है बिकॉज यू हैव टू कम्यूट अराउंड, यू हैव टू ऑर्डर सम फूड।
तो आई विल टेल यू अबाउट द एप्स जो कि हमें यूज़ हुई थी. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वॉज गूगल ट्रांसलेट. मेक्सिको में हर जगह स्पैनिश चलती है. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक एंड कम्युनिकेट इन स्पैनिश ओनली. सो यू नीड टू हैव अ गूगल ट्रांसलेट. सो अनदर ऐप वॉज बाइसी प्लाया विच वी यूज टू कम्यूट अराउंड विच इज़ सिमिलर टू टोरंटो राइड शेयर. तो वो ऐप यूज़ करके हमने बाइसिकल रेंट पे ली थी. नाउ अनदर ऐप फॉर फूड दैट वी यूज वॉज रापी दैट वी यूज फॉर फूड डिलीवरी. एक और ऐप जो हमने यूज़ करी थी वॉज करेंसी कन्वर्टर ऐप टू जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ करेंसी कन्वर्जन बिटवीन कैड एंड मैक्सिकन पीसोज एंड ऑल्सो USDs. वी यूज़ दैट ऐप. एंड फूड डिलीवरी के लिए ऊबर ईट्स भी वहाँ पे चलती है. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिम कार्ड, तो हमने वहाँ पर जाकर सिम कार्ड लिया था दैट वी परचेज्ड फ्रॉम द स्टोर कॉल्ड एज ऑक्सो. सो वहाँ पे जगह जगह पे ऑक्सो स्टोर्स बने हुए हैं विच आर अ ग्रॉसरी और कन्वीनियंस स्टोर. वहाँ पर हमने टेलसेल का सिम लिया था एंड सिम इज कॉल्ड एज चिप देयर. सो दैट कॉस्टेड अस अराउंड 300 पीसोज फॉर बोथ द सिम एंड एक्टिवेशन रिचार्ज. द नेटवर्क वर गुड एवरीवेयर. सो नेटवर्क प्लाया में भी आ रहे थे और कैनकन में भी आ रहे थे. सो टेलसेल वॉज गुड. सो नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन. सो जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत सारी जगह विजिट करी थी एंड स्पेशली टू कम्यूट फ्रॉम एयरपोर्ट टू प्लाया एंड देन फ्रॉम प्लाया टू कैनकन एंड देन अगेन फ्रॉम कैनकन टू एयरपोर्ट वी यूज्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द पब्लिक बसेस विच आर कॉल्ड ADO. सो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. ADO बसेस हमने यूज़ करी थी. दे वर गुड एंड दे वर एयर कंडीशनड एंड दे ऑल्सो कॉस्टेड चीपर देन द टैक्सीज. सो हमने अपनी मेजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हीं को यूज़ किया था. एंड द लोकल ट्रांसपोर्टेशन विच वी यूज इन द होटल जोन वॉज R1 R2 बसेस. नाउ एज आई सेड दैट वी परचेज सम ग्रॉसरी इन मेक्सिको एंड ऑल्सो आप सुवेनियर्स खरीदने के लिए भी इन स्टोर्स पे जा सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्टोर्स दैट वी यूज फॉर ग्रॉसरीज एंड परचेजिंग सुवेनियर्स. सो द नंबर वन इज़ द ऑक्सो स्टोर्स. एज आई सेड ऑक्सो इज़ अ कन्वीनियंस स्टोर देयर और बहुत ही कम डिस्टेंसेस पे आपको ये मिल जाएगा बहुत ही जल्दी जल्दी. सो यू कुड ईजिली फाइंड एन ऑक्सो स्टोर नियर बाय. द नेक्स्ट इज़ वॉलमार्ट. वॉलमार्ट इज़ ऑल्सो देयर इन प्लाया एज वेल एज इन कैनकुन. वहाँ पर भी आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ले सकते हैं. एंड ऑल्सो देर इज कॉस्टको एंड वन मोर स्टोर कॉल्ड चेदुराई. सो दोज आर देयर वेयर यू कैन डू सम ऑफ योर ग्रॉसरी शॉपिंग्स एंड द सुवेनियर शॉपिंग. और एक और चीज़ कि वहाँ पर आपको इंडियन ब्रांड्स तो नहीं मिलेंगे. हम अपने रेडी टू ईट वाले पैकेट सब कनाडा से ही लेके गए थे. वहाँ पर हमको नहीं मिला. एंड ऑल्सो जो भी पैकेट्स होते हैं वहाँ पे फूड पैकेट्स, उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं वो सब कुछ स्पैनिश में होते हैं. सो यू नीड टू हैव अ ट्रांसलेट ऐप इन ऑर्डर टू सी कि कौन सी चीज़ क्या है. सो जस्ट इंश्योर दैट यू हैव इट. ऑल्सो जो भी टूर्स मैंने बताए जो भी हमने बुक करे थे, सो वी बुकड इट फ्रॉम वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी फाउंड इन वॉलमार्ट. सो उनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. ही गेव अस अ वेरी गुड रेट्स एंड हमें तो उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी. एंड ऑल्सो रेट्स भी काफ़ी सही थे. सो यू कैन ऑल्सो अवेल देयर सर्विसेज इफ़ यू गो देयर. सो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू मेक्सिको देन यू कैन फॉलो ऑल दीज टिप्स. एंड हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ पोस्ट करेंगे जिसमें हम अपने होटल्स के बारे में बताएंगे या फिर जो भी हमारा बजट था उसके बारे में बताएंगे. सो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम हैंडल @ लूनी टेल्स. थैंक यू.